हेलो दोस्तों, मैं हूं अपने हिंदी टीचर नीलेश कुमार पंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूं विनय अकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप फोर। किसमें? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर टाइप फोर। और इसमें क्या रहेगा दोस्तों, इसमें हम टाइप फोर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के जो हमारे क्वेश्चन है टाइप फोर के, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कभी भी डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कंपास जनरेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा कंपास किस तरीके से जनरेट होगा। हमारा कंपास देखिए इस बेसिक फॉर्मेट में ही जनरेट होगा, ठीक है। ओके, ये देखिए, अब ये हो गया हमारा बेसिक कंपास का स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, इस कंपास में हम ऊपर की तरफ क्या लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे हम नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, ठीक है, इधर साउथ, ठीक है दोस्तों। ओके, और इधर हमारा वेस्ट, ठीक है। अब ये हो गया। अब लेकिन जब हम टाइप फोर के क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है कि हमें, अब इस बार 90 डिग्री नहीं, इस बार हमें बोलेगा 45 डिग्री बोलेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि उसने कहा कि यदि बाएं मुड़ा है तो उसने ऐसा उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि वह डायरेक्ट 90 डिग्री बाएं नहीं मुड़ा, वह 45 डिग्री बाएं की ओर मुड़ा है, ठीक है दोस्तों। ओके, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का जब आता है तो अब हम क्या करते हैं, तब हमें यहाँ पर एक और कंपास में, जो हमारा हमने सीखा था पहली क्लास में, क्या सीखा था, जो आठ डायरेक्शन रहते हैं, एट डायरेक्शन, ठीक है, बाकी के बचे हुए और जो चार डायरेक्शन रहते हैं हम उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, वो बचे हुए चार डायरेक्शन क्या रहेंगे, यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट के पीछे पड़ता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और जो नॉर्थ और वेस्ट के पीछे पड़ता है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, और जो साउथ ईस्ट में पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच में, वो हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और जो वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ता है उसको क्या बोल देंगे, वेस्ट साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ हमारा अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। ओके, वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ दोनों एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इस तरीके से हमारे कंपास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता है टाइप फोर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपास, ठीक है। आप इसको बना लेंगे कभी भी, इस टाइप के क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने के लिए मैं आपको भी दिखा दूंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से रहते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत अब एंगल्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है। अब इन एंगल्स के बारे में बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक यहां पे बीच में एक और कंपास जनरेट करता हूं और उसके थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो देखिए, अब ये हो गया हमारा एक कंपास, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देख सकते हैं इस कंपास में क्या है, ऊपर वाला क्या है हमारा नॉर्थ है, ठीक है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको पहले क्लास में जब बेसिक चीज़ें बताई थी तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो यहाँ पास का एंगल होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो यहाँ पे एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन अब हमें क्या बोलेगा, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री बोलने पर क्या हो जाता है दोस्तों, 45 डिग्री बोलने पर ये कुछ दो भाग में स्प्लिट हो जाता है ये एंगल, और फिर ये कुछ नया दिशा बनता है जो कि क्या हो जाता है, ये जो वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन है ये हो जाता है 45 डिग्री पे। लेकिन अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या रहेंगे, इस क्वेश्चन में हमें कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड रहेंगे जिसको हम यदि चाहो तो याद करके लिख भी सकते हो, या फिर आप इसको पारी पारी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मतलब कॉन्सेप्चुअल उसको हम लोग वहाँ पर एक बार बना के भी देख सकते हैं, पर यदि अगर आप उसे याद रखेंगे तो याद रखने पर आपका एक बेनिफिट फायदा ये होगा कि आप उसे तुरंत ही समझ जाएंगे कि वह क्या चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए, जब सिर्फ 45 डिग्री बोला तो देखिए 45 डिग्री बोलने पर, ठीक है, अब जब उसने सिर्फ 45 कहा तो हम समझ गए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। और यदि इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से यदि उसने क्या बोला रहता, इसी तरीके से उसने यदि बोल देता, अब ये किधर हो गया, ये लेफ्ट हैंड तरफ क्या हो गया, जैसे ऐसे खड़े होंगे हम, ठीक है, ऐसे खड़े होने पर, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड तरफ वाला क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। यदि उसी तरीके से क्या बोल देगा, राइट हैंड तरफ वाले में बोल देगा, तो राइट हैंड तरफ वाले में ये वाली डिग्री क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से करता है कि अब वह क्वेश्चन में बोल देगा कि 45 डिग्री नहीं बोलेगा, वह क्वेश्चन में बोलेगा सीधा क्या, 135 डिग्री बोल देगा, या फिर वो बोल देगा उसमें, ठीक है, एक एक आपको बोलेगा 135 डिग्री और दूसरा बोल देगा आपको 35 और 90, तो
225 डिग्री बोल देगा। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूँ, अब जो हमारा 125 डिग्री है, ठीक है, मैं अभी किसके बारे में बता रहा हूँ, 125 डिग्री के बारे में बता, सॉरी 125 बोलता हूँ, 135 मतलब 135 डिग्री पर बोलता है। ठीक है, यदि अगर वो बोलता है कि 135 डिग्री पर दाएं या बाएं मुड़ा, ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि चलो बाएं मुड़ा पर बोलता है, ठीक है, मतलब उल्टे हाथ तरफ मुड़ा, कितना 135 डिग्री पर। तो देखिए जो हमारा ये वाला रेंज था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तो खुद 45 हो गया है, ठीक है, अपन को किस में जाना है, 135 में। यदि हम इस 45 में ही 90 जोड़ देंगे, ठीक है, क्या होगा, इसी 45 डिग्री पर जब हम 90 डिग्री को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 135 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि अब यदि हम लोग ऊपर की ओर थे, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और हमको बोल दिया जा रहा है कि हमें उल्टे हाथ तरफ, ठीक है, बाएं हाथ की ओर 135 डिग्री मुड़ना है, अब 135 डिग्री मुड़ना है तो हम कहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, हम कुछ यहाँ पास आ जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और यही चीज़ हम लोग यदि सीधे हाथ पर बोलेगा, ठीक है, यदि सीधे हाथ पर बोलेगा तो सीधे हाथ पर बोलने पर कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पास आ जाएंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि ये दोनों ब्लैक वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाले जो प्लस बन रहे हैं, वहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था एंगल का, 90, ठीक है। उसी तरीके जब यहाँ पे क्रॉस भी बनेंगे, ठीक है, जैसे कि ये क्रॉस बनता है एंगल में, वहाँ पर भी सभी के बीच में जो ब्लू कलर वाला क्रॉस बना है उसमें सभी एंगल के बीच में कितना का डिफरेंस होगा, 90 का। तो देखिए दोस्तों, एक हमको क्या बोल देगा, 135 डिग्री, और एक क्या बोलेगा, देखो एक अगला क्या बोलेगा, इसी 135 में ही जब हम प्लस 90 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसमें जब प्लस 90 ऐड होगा तब यह क्या हो जाएगा, 225 डिग्री। और देखिए ये 225 डिग्री बोलने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए यदि वो बोला है सीधे हाथ से 225 डिग्री टर्न होता है, या फिर 225 डिग्री ना बोलकर हम ये बोल सकते हैं कि 225 डिग्री घूमता है। तो देखिए यदि वो यहाँ पास है, ठीक है, यदि उल्टे हाथ से घूम रहा है 225 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि ये साइकिल को फॉलो करते 225 डिग्री पहुँचते हो, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो एक तरीके से अंत में किस दिशा की ओर हो जाएगा, वह सीधे हाथ की ओर, ठीक है, अभी हो जाएगा 225 डिग्री। अब देखिए यदि उल्टे हाथ से 125 डिग्री बोला तो वो सीधे हाथ से कितना पड़ गया, वो सीधे हाथ से पड़ गया 135 डिग्री। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है, यदि देखिए 135 बोला तो पीछे की तरफ उल्टे हाथ साइड, ठीक है, और मतलब पीछे मुड़कर सीधे हाथ तरफ 45 डिग्री, और यदि 25 बोला, ठीक है, 225 बोला, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन की ओर जाने पर तो लेफ्ट हैंड तरफ, तो पीछे मुड़कर लेफ्ट हैंड तरफ 45 डिग्री, और यदि सिर्फ 135 बोला तो पीछे मुड़कर राइट हैंड तरफ 45 डिग्री। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिग्री का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर और कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ऐसे यही डिग्री रहेंगे और यही सब बोलकर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ओके, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कंपास तो हो गया कंप्लीट, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं हमारे इसके क्वेश्चन आंसर राउंड की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अब चालू करता हूँ इसका बेसिक क्वेश्चन। तो ठीक है, अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन के लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या लिखा है, रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएँ मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएँ मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर हमको क्या बताना है, अभी हमको सिर्फ यहाँ पे बताना है एंगल। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हमको कोई रिलेटेड नहीं है, तो अभी हमको डिस्टेंस का टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ हमको एंगल नहीं, यहाँ पे हमको सिर्फ ये बताना है कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, क्वेश्चन में पहले ये बोला है कि वो किस तरफ जा रहा था। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि वह पहले किधर, पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे कंपास में देखिए पूर्व दिशा किधर है, इधर पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, फिर क्या बोला, फिर वह बाएं हाथ की ओर 45 डिग्री मुड़ जाता है। बाएं मतलब किधर, हमारे उल्टे हाथ की ओर। अब देखिए अभी हम लोग इधर की ओर फेस करके खड़ेंगे तो हमारा उल्टा हाथ किधर हो जाएगा, हमारा उल्टा हाथ हो जाएगा इस तरफ। ठीक है,
अब वह इस तरफ की 45 डिग्री मुड़कर चल गया, ठीक है। यहाँ पर का एंगल क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ओके 45 डिग्री की ये कंप्लीट एंगल नहीं, मतलब यहाँ से एक ऐसे एक्सिस बना के ये 45 डिग्री इस तरीके से 90 डिग्री ना मुड़ के सिर्फ वो 45 डिग्री मुड़ा, ठीक है। मतलब इस सीधे से वो जो है वो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ओके ये 45 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि कुछ दूर चलने के बाद फिर यहाँ पे एक एक्सिस जनरेट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, वह 90 डिग्री मुड़ता है किधर, कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से 90 डिग्री बाएं, अब देखिए यहाँ पर से जब वो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद जब उसका फेस ऐसा है तो 90 डिग्री पहुँचने पर वो कैसे होगा, इस तरीके से रोटेट होके इस तरफ मुँह कर लेगा, ठीक है। यहाँ से रोटेट होके इस तरफ मुँह करेगा तो फिर अब वो इस बिंदु से किस दिशा की ओर जाएगा, इस दिशा की ओर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, अब वह अभी वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हमको ये जो लास्ट में जो आया है, ठीक है, लास्ट में जो आया है, ठीक है, ये हमें बताना है कि वो किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है। हाँ कंपास में हम मैच कर सकते हैं कि किस दिशा की ओर मुँह करके चल रहा है, तो पता चल गया वो क्या जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुँह करके चल रहा है, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। ओके तो देखिए इस तरीके से हमारा हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ठीक है। ओके चलिए मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो कि डिस्प्ले पे साइड पे शो हो रहा होगा। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, ठीक है। क्या बोला है, अब वो आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, ठीक है। वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका था, एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी के विपरीत दिशा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। और क्लॉकवाइज जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, ठीक है। ओके आप इसे याद रखिएगा, और यदि आपको याद नहीं है तो आज का आप हमारे डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्लास वन पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए अब देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वो एंटी क्लॉक दिशा में 145 डिग्री घूमता है, अब वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता है, तो वह बताइए कि वह अंत में किस दिशा की ओर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा पेन, हाँ मार्कर यहाँ पे रहा, सॉरी मैं भूल गया था। तो देखिए ये हो गया हमारा कंपास, ठीक है दोस्तों। सॉरी ये कलर फीका हो गया, मैं आपके लिए डार्क कलर में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा, अब उसमें क्या बोला है, उसमें यह बोला है कि वह दक्षिण दिशा की ओर था, दक्षिण दिशा किधर है हमारा, नीचे की ओर। अब देखिए वो इस तरफ मुंह करके बैठा था, ठीक है, साउथ डायरेक्शन पर। अब उसमें क्या बोला कि वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा। एंटी क्लॉकवाइज बोलने पर क्या होता है, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी इस तरीके से घूमती है हमारे सीधे हाथ की ओर, लेकिन अभी एंटी क्लॉकवाइज बोला है मतलब उल्टे हाथ की ओर। तो देखिए जब हम ऐसे इस तरफ की ओर खड़े हुए होंगे फिर हमको क्या करना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड तरफ घूमना है कितना, 135 डिग्री। और मैंने आपको बताया है 135 डिग्री बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उल्टा होकर सीधे हाथ तरफ 45 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पास हो जाएगा ये उसका, अब ये क्या हो गया, 135 डिग्री हो गया पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ठीक। अब ये हो गया, अब जब वो इस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है फिर उसके बाद क्या बोलता है, इस दिशा पर फेस जब करके जब वो खड़ा है फिर वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 घूमता है, ठीक है। अब देखिए क्लॉकवाइज दिशा में 225 बोला है, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में 225 बोला है मतलब उल्टा होकर सीधे हाथ की ओर, ठीक। देखिए देखिए क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज देखिए क्लॉकवाइज यहाँ पर आए, यहाँ पर आते कितना हो गया 180। अब 180 में क्या होगा, 180 में कितना जाता है, सिर्फ 45 डिग्री जाता है, तो वह किस एक्सिस पे आ जाएगा, वह इस एक्सिस पे आ जाएगा जो कि इधर की ओर फेस करके किए हुए, ये हो गया हमारा 225 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ओके या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो जिस दिशा पे उसके अपोजिट होकर फिर जिस डायरेक्शन पे बोला उस डायरेक्शन पर 45 डिग्री आगे बढ़ना है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके ठीक है, ओके तो ये हो गया, ठीक है। अब आखिरी में हमारा आंसर क्या आ गया, वो अंत में किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वो अंत में वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा है, और यही क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा आज का बेसिक क्वेश्चन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट इसके टाइप फोर के, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों
आज का हमारा ये जो छोटा सा सेशन है वो ओवर होता है। मैं आपके लिए ऐसे ही और मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इसके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ इसके नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों प्लीज़ इस तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका अपना जिंदगी टीचर नीरज कुमार पंसारी, मेरे साथ इस तरह बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए और मज़ेदार क्वेश्चन चलाते रहूँगा विनय अकेडमी बिलासपुर। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू दोस्तों।